अमेरिका के न्यू जर्सी में अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम बनाया गया, तो ही अब आबू धाबी में भी पहला हिंदू मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। आबू धाबी में यह मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर बन रहा है। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2024 में यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2028 में दुबई के दौरे पर थे, तब उन्होंने ओपेरा हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर की आधारशिला रखी थी। UAE के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आबू धाबी में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने BAPS हिंदू मंदिर का 3D प्रोजेक्शन भी देखा और निर्माण में सहयोग देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। आबू धाबी में आने वाले महीनों में लोकार्पित होने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से बनाए जाने वाला हिंदू टेम्पल को, हिंदू मंदिर को आज दर्शन के लिए आया था। जब ये निर्माण हो रहा है उस समय में मेरे को इसकी दर्शन का सौभाग्य मिला। यहाँ मेरे को लगता है कि पहली बार भारतीय सभ्यता को आधुनिक तौर तरीके के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्व की जो मानस है, विश्व की जो अवस्था है, उस समय में हमारी भारतीयता, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की मूल तत्व, हमारी वेदों में लिखी गई मूल संस्कृति को इस मंदिर परिसर में प्रतिफलित किया गया है। मैं इसके लिए विशेष करके स्वामीनारायण संप्रदाय के समस्त पूज्य स्वामी जियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर का कल्पना किया। प्रमुख स्वामी जी ने कई दशक पहले इसके बारे में कल्पना किया था, जो आज साकार हो रहा है। मैं भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा, उनकी सहयोग से, उनकी नेतृत्व से ये मंदिर बन पा रहा है। मैं विशेष करके आबू धाबी की राजा महोदय को आभार प्रकट करना चाहूँगा, यहाँ की नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनकी सहृदयता के कारण ये भूमि हम लोगों को मिली है, मंदिर आज बन रही है। केवल भारतीय मूल के लोग नहीं, केवल हिंदू लोग नहीं, उनमें से विश्व की सभी संप्रदाय, मत पंथ के लोगों की इसमें से आवेग जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के समय में कई देशों के एम्बेसडर्स यहाँ पहुँचे हैं, कई देशों की कारीगर इस काम पर लगे हैं। और विशेष करके मैं मेरे मूल प्रदेश उड़ीसा की जो कारीगर, जिनकी हस्तशिल्प से ये सुंदर मूर्तियाँ बनी है, रामायण की वर्णन हुई है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वर्णन हुई है, जिसमें शिव पुराण की वर्णन हुई है, भारत की नदियों के बारे में कहा गया है और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता के बारे में कहा गया है, उनकी निखुण कारीगरी से हमारी प्रदेश की, हमारी देश की, हमारी सभ्यता की गौरव बढ़ी है। मैं विशेष करके स्वामी जी का आभारी हूँ। सो एवरीबडी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, भक्त हो, लीडर्स हो और कम्युनिटी और वॉलंटियर्स, एक होकर ये मंदिर बना रहे हैं। तो वो कपल ऑफ मंथ्स में उसका उद्घाटन होगा। माय लविंग इनविटेशन टू एवरीबडी हु व्हेनेवर दे कम, दे शुड कम डाउन, हैव दर्शन ऑफ दिस ग्रेट मंदिर आफ्टर इट्स ओपनिंग। स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा ये मंदिर परिसर आबू धाबी दुबई राजमार्ग के नजदीक अबू मुरीखा में आबू धाबी सरकार की तरफ से दी गई 27 एकड़ जमीन पर तैयार किया जा रहा है। इस मंदिर में आर्ट गैलरी, हॉल, लाइब्रेरी और जिम के साथ एक सांस्कृतिक परिसर भी होगा। मंदिर में नक्काशी की जिम्मेदारी भारतीय कलाकारों को सौंपी गई है।